किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क जाम। भाकपा माले किसान महासभा एवं खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सड़क जाम कर दिया। इसका नेतृत्व माले नेता अनिल कुमार सिंह, ठेग्रामस जिला सचिव बेचन राम, किसान महासभा के मनोज झा ने किया। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार किसानों और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है, ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। नया किसान कृषि बिल वापस लेना होगा, फांसीवादी मोदी सरकार होश में आओ, अरे फांसीवादी मोदी सरकार होश में आओ। अखिल भारतीय किसान महासभा मधुबनी जिला जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार झा, जो ये मोदी सरकार की जो ये तानाशाही है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर चारों साइड बॉर्डर पूरे सील हो रही है, ये सरकार अपने आप में मस्त है और किसान के सामने झुकना नहीं चाहता है। हम मधुबनी जिला किसान जिला उपाध्यक्ष मनोज झा, हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जो बिहार की जो किसान विरोधी सरकार है, उसे यदि हम लोगों से वार्ता में बात नहीं की, इसकी रास्ता नहीं निकली कि ये सरकार को हर पल के लिए, आज तो थोड़ा ही है, हमने टेलर दिखाया है, लेकिन मधुबनी जिला पूरा चक्का जाम कर देंगे। हाँ मनीष जी, आज जो है जो प्रोग्राम आप लोगों का चक्का जाम था, पूरा मधुबनी जिला व्यस्त कर दिए हैं। आज ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा और खे ग्रामस तीनों इकाई की तरफ से ये राजव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोग यहाँ जाम किए हुए हैं। एक तरफ सरकार झांसा दे रही है कि हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, जब किसान रोड पे है तो आप किसके हित में काम कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब किसान ही दुखी है तो आप किसके हित में काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी तो ये अंग्राही है, बाकी बहुत लड़ाई है, हम पूरे मधुबनी को जाम कर देंगे। हम कॉल करेंगे अपने इंटरव्यू नौजवान सभा के सभी साथी से और पूरे मधुबनी को चक्का जाम कर देंगे। हाँ बेचन जी, आज का जो प्रोग्राम है, जो ये चक्का जाम का आह्वान हुआ था, जो दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रही है, अपनी मांग पे अड़ा हुआ है, उसके समर्थन में आज आह्वान हुआ चक्का जाम का। इसके समर्थन में आज भाकपा माले खेत व ग्रामीण मजदूर सभा एवं किसान महासभा संयुक्त आज चक्का जाम आज मधुबनी जिला में हम लोग कर रहे हैं, और जब तक मांगे वहाँ पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये अभी छोटा सा चिंगारी है और ये चिंगारी बहुत बड़ा रूप लेगा। आज हम लोग आश्वासन देने के लिए आए हैं कि जो हमारे समस्या है, हमारे किसानों के साथ जो समस्या है, उसको जल्द से जल्द निदान किया जाए, जो किसान के हित में काम हो वो काम सरकार करे, यही हमारी मांग है। और हम ये जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा, और हम लोग इस मधुबनी जिला के अंदर वो रूप लेने वाले हैं जो हम लोग बता देंगे आज केंद्र सरकार को कि हमारी मांगे जायज है और वो मांग हमारी पूरी होना चाहिए। भाकपा माले जिंदाबाद। मित्रों, चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।